नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मत परे मेरे यूट्यूब के फ्री जिगू सिंबल वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री में जिगू सिंबल सिखा रहा हूं। अभी तक काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, बिजनेस, स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप, ऐसे काफी सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए वीडियो मैंने अभी तक डाल दिए है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जिगू सिंबल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे सिंबल मिल जाएंगे। उसका सारा इंट्रोडक्शन, जिगू सिंबल क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ का इस्तेमाल करना है, वो सब मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप में से मुझे एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा कि क्या रेकी हीलिंग में जिगू सिंबल हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मुझे माइंड में ये आया कि सिर्फ रेकी ही क्यों ना, ये जो टेरोट कार्ड रीडर है, क्रिस्टल हीलर है, डाउजिंग करते हैं, कैंडल हीलिंग करते हैं, ठीक है, काउंसलर है, क्यों ना सिर्फ इन सभी को मिला के एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इन सभी के नाम है। हो सकता है आज का वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन एंड तक देखते रहिए, एंड में मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि जिगू सिंबल का मेडिटेशन कैसे करता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो तक एंड तक देख जरूर से देखिए। और हाँ, वीडियो को मैं शुरुआत करूँ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, पास में दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं, ताकि ऐसे काफी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं जिगू सिंबल एंड वेरियस हीलिंग मोडालिटीज। ठीक है, काफी सारी वेरियस हीलिंग मोडालिटीज होती है, तो वहां हम जिगू सिंबल का कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, देखिए, आप चाहे रेकी हीलर हो, लामा फेरा हीलर हो, क्रिस्टल हीलर हो, टैरोट कार्ड रीडिंग कर रहे हो, डाउजिंग कर रहे हो, कैंडल हीलिंग कर रहे हो, काउंसलर हो, मेडिटेशन सिखाते हो, वहां सब ये जिगू सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से आप अपने हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं, सामने वाले की हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपकी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं, काफी सारा बेनिफिट्स इस जिगू सिंबल के है। ठीक है, दूसरी एक बात मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, तो उसमें मान लीजिए ये रेकी की प्रेयर है, टैरोट कार्ड की प्रेयर है, क्रिस्टल का क्लींजिंग कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, ये सब मैं यहाँ आपको नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। मैं अपने रेकी चैनल पे और क्रिस्टल चैनल है, टैरोट कार्ड है, उसमें सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ ये सब सिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपने सिखा हुआ है तो आपके गुरु ने जो कुछ भी प्रेयर सिखाई है, जिस तरीके से सिखाया हुआ, आप जरूर से कीजिए। ठीक है, वो भी जरूर से काम करती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाते हैं रेकी हीलिंग। तो रेकी हीलिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, फिर हमें जो सिंबल अटैचमेंट हुआ होता है वो सिंबल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चौकुरे वंसा रेसोनेन से है की डाइक्यूम्यो। ठीक है, फिर हम इसके बाद क्या होना, अगर आप जिगू सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, रेकी प्रेयर और रेकी सिंबल ड्रॉ करने के बाद आपको एंजल प्रेयर करना होगी। सिंपल एंजल प्रेयर है कि हे मेरे गार्डियन एंजल, आप यहाँ आइए और मेरा हीलिंग कीजिए। सामने वाला का करना है तो सामने वाला का नाम लीजिए। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको जिगू सिंबल ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए, काफी सारे जिगू सिंबल होते हैं, तो मैं यहाँ एक मान लीजिए सिर दर्द है। ठीक है, मुझे यहाँ सिर दर्द है और मैं जिगू सिंबल का रेकी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं रेकी प्रेयर करूंगा, रेकी के सिंबल ड्रॉ करूंगा, मेरे गार्डियन एंजल से प्रेयर करूंगा कि मेरे गार्डियन एंजल आइए और मेरा सिर दर्द मिटाइए। ठीक है, फिर क्या करना होता है, ये जो रिलीज सिंबल है, सबसे पहले हम रिलीज सिंबल ड्रॉ करेंगे। रिलीज सिंबल मल्टीपल सिंबल है, यहाँ मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरा अलग से वीडियो, जो सिंबल का पर्टिकुलर वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले रिलीज सिंबल ड्रॉ करता हूँ ताकि मेरे आज्ञा चक्र में जो कुछ भी नेगेटिविटी हो, ब्लॉकेजेस हो, वो सब दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करना होता है 5 बार 21 टाइम आप ड्रॉ कीजिए आज्ञा चक्र पर। ठीक है, फिर स्पेसिफिक हीलिंग सिंबल है जिगू सिंबल का। ठीक है, तो वो जिगू सिंबल हीलिंग का जो सिंबल है वो 21 टाइम्स आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और गार्डियन एंजल से और रेकी से प्रेयर कीजिए कि मेरा सिर दर्द मिट जाए। ठीक है, आप जैसे हाथ से करते हैं वैसे भी ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, हाथ से ही हीलिंग देखिए, हाथ से ही होगी, आपको गार्डियन एंजल से प्रेयर ही करना है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं।
और उसके बाद 21 टाइम 51 टाइम ड्रॉ करने के बाद ऐसे 5 से 10 मिनट कंटिन्यूस आप हीलिंग लीजिए, फिर बाद में ब्लेसिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए 5 टाइम्स और फिर लास्ट में ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना उसका जो होता है वो आप ड्रॉ कीजिए, फिर लास्ट में रेकी से, गार्डियन एंगल से, जिबू सिंबल से सबसे आप धन्यवाद कीजिए। यानी सिंपल है, रेकी की प्रेयर कीजिए, सिंबल रेकी के सिंबल ड्रॉ कीजिए, फिर आप गार्डियन एंगल का आह्वान कीजिए और जिबू सिंबल जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होता है वो सिंबल आप ड्रॉ कीजिए बस, और लास्ट में ग्रेटिट्यूड कीजिए, बस इतना ही है। जैसे आप रेकी में हाथ सेलिंग करते वैसे ही करते रहना है, बस आपको गार्डियन एंगल की हेल्प लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ जाए। दूसरा है टेरोट कार्ड रीडिंग। तो टेरोट कार्ड रीडिंग में भी जैसे मेरे पास है एक टेरोट कार्ड, ठीक है, तो उसमें ऐसा डेक होता है, ये बॉक्स है और उसमें ये डेक है, ठीक है। तो टेरोट कार्ड में भी प्रेयर हो, इसमें भी आप जिबू सिंबल का कैसे इस्तेमाल करता है मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आप टेरोट कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप टेरोट की जो भी प्रेयर आपको सिखाई हुई है वो प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर गार्डियन एंजल का आह्वान कीजिए कि हे मेरे गार्डियन एंजल कृपा करके आप यहाँ पे आइए और टेरोट कार्ड रीडिंग में मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तो सब फिर बाद में क्या है, आप रिलीज सिंबल ड्रॉ कीजिए ताकि इसमें जो कुछ भी नेगेटिविटी हो वो रिलीज हो जाए, ठीक है। 5 टाइम 21 टाइम आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में जिबू सिंबल को जो ट्रूथ सिंबल है, ट्रूथ, ठीक है, वो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, वो ट्रूथ सिंबल है, आप इसके ऊपर 21 टाइम ड्रॉ कीजिए और गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि मैं ये जो टेरोट रीडिंग कर रहा हूँ उसमें आप सटीकता दीजिए, यानी कि मेरा टेरोट रीडिंग अच्छी तरह से हो, ठीक है, 100% सही हो, उसी तरह से आप देखिए गार्डियन एंगल से प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्लेसिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए कि हे गार्डियन एंगल आपकी ब्लेसिंग्स मेरे टेरोट कार्ड रीडिंग में दीजिए, और लास्ट में ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, धन्यवाद की भावना दर्शाते हुए टेरोट कार्ड के प्रति भी और गार्डियन एंगल के प्रति भी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टेरोट कार्ड रीडिंग उसमें भी परफेक्शन ला सकते हैं। आगे है क्रिस्टल हीलर। अगर आप क्रिस्टल हीलर है तो भी इसमें कैसे जिबू सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये नवग्रह का जो पिरामिड है वो मेरे पास है, ये सिंपल पिरामिड है वो भी मेरे पास है, ब्रेसलेट भी आते हैं, ठीक है, जो कुछ भी क्रिस्टल आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो कुछ भी क्रिस्टल सिलेक्ट करना है वो क्रिस्टल सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए, फिर उसका क्लींजिंग कीजिए, ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। फिर आप सबसे पहले रेकी के सिंबल ड्रॉ कीजिए और इसका रेकी से हीलिंग कीजिए, ठीक है। फिर बाद में आप गार्डियन एंजल को बुलाइए कि हे मेरे गार्डियन एंजल कृपा करके आप यहाँ पे आइए और इस क्रिस्टल में आपकी एनर्जी दीजिए, इस क्रिस्टल की एनर्जी को बढ़ाइए, इस क्रिस्टल की सुषुप्त जो शक्ति है उसको जागृत कीजिए, इस क्रिस्टल को आप जिस किसी के लिए, अपने लिए या सामने वाले पर्सन के लिए, जिस किसी की प्रॉब्लम के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करे, ठीक है। फिर इसके ऊपर रिलीज सिंबल ड्रॉ कीजिए 21 टाइम ताकि इसमें जो कुछ भी क्रिस्टल में जो कुछ भी नेगेटिविटी हो दूर हो रही हो, ठीक है। बाद में फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो कुछ भी जिबू सिंबल आप यूज करना चाहते हैं वो जिबू सिंबल इसके ऊपर 21 टाइम्स या 51 टाइम ड्रॉ कीजिए और गार्डियन एंजल से लिए फिर उस तरह से प्रेयर कीजिए, ठीक है, जिस तरह की हीलिंग करना चाहते हो उस तरह से। फिर ब्लेसिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए, गार्डियन एंजल आपकी ब्लेसिंग्स इसमें रुपया दीजिए, ठीक है। फिर ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए, गार्डियन एंजल का धन्यवाद कीजिए। इस प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट जरूर से लगाएं, ठीक है, ये सभी प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस क्रिस्टल का चार्जिंग कर सकते हैं, इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फिर अपने आप के लिए या दूसरों के लिए भी दे सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल ग्रेजिंग भी होता है, उसमें भी आंसर देना होता है सही या गलत है, तो उसके लिए भी आप जस्ट रिलीज सिंबल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, फिर ट्रूथ सिंबल ड्रॉ कीजिए, फिर ब्लेसिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए, ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए, गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि आप जो कुछ भी परफेक्शन देना चाहते हैं वो आपको दे, ठीक है, ताकि आपका प्रेडिक्शन अच्छी तरह से सही हो। उस तरह से भी आप क्रिस्टल ग्रेजिंग कर सकते हैं। डाउजिंग है, तो ये जैसे मेरे पास ये डाउजर है, ठीक है,
कोई भी ब्राउजर आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी सबसे पहले क्लीन कर लीजिए, फिर इसकी प्रेयर कर लीजिए, फिर गार्डियन एंजल को बुलाइए, कीजिए मेरे गार्डियन एंजल कृपा करके आप यहाँ पे आइए और आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी जो हीलिंग एनर्जी है इसमें इन्फ्यूज करें, ठीक है। फिर रिलीज सिंबल ड्रॉ कीजिए ताकि इसके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी वो दूर हो जाए। 81 टाइम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिर ट्रूथ सिंबल ड्रॉ कीजिए क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक है। तो ट्रूथ सिंबल ड्रॉ कीजिए 21 टाइम, 51 टाइम और गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि आप जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर इसे करेंगे, ठीक है, जो कुछ भी आंसर दें वो बहुत ही सटीक हो और सच्चा हो, इस तरह से आप प्रेयर कीजिए। फिर ब्लेसिंग सिंबल 21 टाइम ड्रॉ कीजिए, गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि उनकी ब्लेसिंग्स इस डाउजर में दे। और लास्ट में ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए, धन्यवाद की भावना कि गार्डियन एंजल मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। फिर इस तरह से फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर ये भी आपको करना होगा। फिर कई लोग कैंडल हीलिंग करते हैं, तो कैंडल हीलिंग में भी क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिलेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर कैंडल को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि पिंक कलर होता है, रेड कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। मेरे पास अभी कैंडल नहीं है लेकिन एक व्हाइट कलर का जो कैंडल है वो मेरे पास है, इससे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कैंडल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर कैंडल में भी जो प्रेयर आती है, आपको जो गुरु ने सिखाई वो प्रेयर आप कीजिए, ठीक है। फिर आप गार्डियन एंजल को बुलाइए कि हे मेरे गार्डियन एंजल कृपा करके आप यहाँ पे आइए, ठीक है, और इसमें हीलिंग दीजिए। फिर इसके ऊपर जिबू सिंबल कॉल करना है। सबके पर हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, लेकिन कैंडल में क्या है, आपको कोई भी नुकीली चीज लेनी है और जो कुछ भी जिबू सिंबल आप यूज करना चाहते हैं वो ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए आप अनकंडीशनल लव है वो से सिंबल यूज करना चाहते हैं, तो यहां से यहां पे आप अनकंडीशनल लव, ठीक है, ऐसे सिंबल को काउंट कीजिए, ठीक है, 5 बार 10 बार 21 टाइम्स ये ड्रॉ कर सकते हैं। ब्लेसिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए, ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिर गार्डियन एंजल से आप प्रेयर कीजिए, कैंडल हीलिंग जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिसके लिए करना चाहते हैं वो आप प्रेयर कीजिए, ठीक है, कि गार्डियन एंजल मुझे मदद कीजिए, ठीक है, मेरी हीलिंग कीजिए या फिर सामने वाले की हीलिंग कीजिए, वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप प्रेयर कीजिए। अब बात यह आती है काउंसलर की। मान लीजिए आप काउंसलर हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार सामने वाला पर्सन झूठ बोलता होता है, ठीक है। सामने वाला पर्सन कई बार बहुत बार नेगेटिविटी से आया हुआ होता है, और अगर आप कुछ हीलिंग मॉडलिटी नहीं जानते हैं लेकिन जिबू सिंबल भी जानते हैं तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए काउंसलर एक पर्सन आया है आपके पास काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहले क्या करें, रिलीज सिंबल ड्रॉ कीजिए ताकि उसके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी वो दूर हो जाए, ठीक है। फिर बाद में अनकंडीशनल लव ड्रॉ कीजिए ताकि उसका और आपका अच्छी तरह से बंधन हो, ठीक है। फिर ट्रूथ सिंबल ड्रॉ कीजिए, यानी कि आप जो कुछ भी क्वेश्चन उनसे पूछते हैं उनका वो सही से जवाब दे, ठीक है। फिर ब्लेसिंग सिंबल ड्रॉ कीजिए और ग्रेटिट्यूड सिंबल ड्रॉ कीजिए, गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि अच्छी काउंसलिंग आपकी होगी, ठीक है। मेडिटेशन, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए जिबू सिंबल पर, तो यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि शांत रूम में आप बैठ जाइए और जो कुछ भी सिंबल पर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उस सिंबल को आपके सहस्त्रार चक्र पर 21 टाइम्स या 51 टाइम ऐसे हाथ से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, सहस्त्रार चक्र पर, और गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि हे मेरे गार्डियन एंजल आप मेरा हीलिंग करें, ठीक है। या जो कुछ भी आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसी तरह से आप गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए और देखिए कि ये सिंबल की जो एनर्जी है वो आप में इन्फ्यूज हो रही है, आपकी पूरी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सोल में जा रही है और हीलिंग कर रही है। आप चाहे तो आगना चक्र पर भी इस सिंबल का मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अनकंडीशनल लव ये सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हार्ट चक्र पर यह सिंबल 21 टाइम 51 टाइम ड्रॉ कीजिए और गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि आपका जो हार्ट है वो अनकंडीशनल लव से भर जाए, ठीक है। इस तरह से जिस सिंबल पर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं 10-15 मिनट जरूर से कीजिए। त्राटक में भी क्या हो सकता है कि देखिए, इस तरह से आप कोई पेपर लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर जैसे मैंने सेंटर ने सिंबल ड्रॉ किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सिंबल को ड्रॉ कीजिए एक पेपर पर और
आपकी आंखों के लेवल पर रहे, उसी तरह से आप सामने दीवार पर इस तरह से फ्रेम लगाकर या फिर चिपका दीजिए, इस तरह से आप चिपका दीजिए, ठीक है। आंखों के लेवल पर रहना चाहिए, त्राटक जैसे करते हैं ना उसी तरह से। फिर बस आप त्राटक करते रहिए उस सिंबल पर और उसकी एनर्जी लेते रहिए। गार्डियन एंजल से प्रेयर कीजिए कि इसकी एनर्जी मुझ में आए, ठीक है। इस तरह से आप 10-15 मिनट जरूर से कीजिए। तो इसके अलावा भी अगर कुछ होता है हीलिंग मोडालिटी तो आप मुझे कमेंट जरूर से बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस दूंगा। यहां मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ऑलवेज यूज पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कि जो कुछ भी सिंबल जीबू सिंबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर से इस्तेमाल करें, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर से इस्तेमाल करें। यूज प्रॉपर जीबू सिंबल, यानी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर जीबू सिंबल इस्तेमाल करना आप सीख जाइए। 88 सिंबल है तो आपको कई बार देखना भी कर पड़ेगा, तो देखिए, लेकिन पर्टिकुलर सिंबल जरूर से यूज कीजिए। आप एक पर्सन एक टाइम के लिए, एक पर्सन के लिए 3-4 सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप उसके उससे ज्यादा भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये सब जो मैंने बताया वो दिन में 2-3 बार आपको करना जरूरी है, ठीक है। या जब भी आप इसके मान लीजिए टैरोट कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम जरूर से कीजिए, ठीक है। दो या तीन बार दिन में नहीं कर सकते हैं, तो जब भी आप रीडिंग करें तब तो ये जरूर से करें, ठीक है। कब तक करना है? तो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता है। मान लीजिए आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक आप हीलिंग करते रहिए, ठीक है। या फिर आपको लगता है जैसे कि मान लीजिए आप काउंसलर हैं, ठीक है, तो डेली करते रहिए। मेडिटेशन है तो डेली करते रहिए, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां मैंने इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज का, उसमें साथ साथ जीबू सिंबल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आपकी हीलिंग पावर बढ़ा सकते हैं, कैसे आपकी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये सब मैंने बताया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर से कीजिए। बिल्कुल ही फ्री में ही सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो शेयर जरूर से कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट भी जरूर से कीजिए। कमेंट में भी मुझे बताइए कि आप किस चीज पर वीडियो बनाना चाहते हैं। जीबू सिंबल के अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो मुझे जरूर से बताइए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।